उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत के बाद बिहार अब सियासत में हावी होती दिखाई देने लगी है। बिहार में बीजेपी और बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री विनय बिहारी ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर दी है। विनय बिहारी ने तारकिशोर प्रसाद के कार्य की सराहना करते हुए कहा है कि बीजेपी के तमाम विधायक तारकिशोर प्रसाद के काम से खुश हैं, ऐसे में अगर मौका मिलता है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब बिहार में योगी मॉडल चलना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब 2005 वाले सीएम नहीं रह गए हैं और ना ही नीतीश कुमार में अब वो जोश रह गया है। उस मेहनत को देखते मेरी पर्सनल मुझे उनसे बातचीत करने का अवसर मिलता है। मेरा पर्सनल राय है कि जब कभी ऐसा अवसर मिले तो आदरणीय तारकिशोर जी को यह मौका मिले। क्यों लगता है विनय जी आपको तारकिशोर जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? क्या नीतीश कुमार ने जो 16 साल का कार्यकाल रहा उनका उससे नीतीश कुमार जी के बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता, नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, नहीं कुछ बोलूंगा। तारकिशोर प्रसाद जी हमारे नेता हैं, उप मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और उनके कार्यक्रम को देखते हुए, उनकी प्रतिभा को देखते हुए, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को देखते हुए मेरी पर्सनल राय है कि तारकिशोर प्रसाद जी को जब भी ऐसा समय आए तो उनको ये मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि इस तरह का अवसर आएगा तो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आपने योगी मॉडल की बात की थी विनय जी। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, 2005 में जो नीतीश कुमार जी थे वो 2020 में नहीं है। उनको योगी जी की तरह फिर से वो 2005 वाला नीतीश कुमार बनना पड़ेगा क्योंकि इस माहौल में आज जगह जगह पे योगी मॉडल की बात हो रही है। तो मेरा कहना है कि मैं बिहार का हूँ, बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश मॉडल की बात क्यों ना हो, तो नीतीश जी को 2005 वाला नीतीश कुमार बनना पड़ेगा। मतलब योगी मॉडल मतलब क्या होना चाहिए? योगी मॉडल का मतलब है कि जो अन्याय कर रहे हैं उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई हो, एकदम बुलडोजर बाबा के तरह। नीतीश जी कमजोर हो चुके हैं आपके नजर में, आपको बोले 2005 वाला बनना पड़ेगा, यानी कि कोई आदमी कमजोर नहीं होता है, वक्त कमजोर और मजबूत होता है। मैं कहता हूँ कि आदमी जो है काम करने वाला होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 2005 में जो जोश था, जिस तरह से व्यवस्थाएं बदली गई, उस तरह से आज फिर से काम करने का काम करने की जरूरत है। समय ठीक नहीं चल रहा है, वक्त सही नहीं है, वक्त सही नहीं चल रहा है, जोश उनका ठीक ठाक नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये मैं थोड़े कह रहा हूँ, सारे दुनिया कह रही है, चलता तो 40 से सीट आता, 45 से सीट आता, 80 को 90 को 120 को नहीं आता। इधर देखो, यानी नीतीश कमजोर हुए हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे हम आपको कौन कमजोर हुआ कौन मजबूत है, 2005 वाली बात 2020 में।